नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। 5 दिवसीय पतंजलि योग शिविर जालोर में आज से शुरू। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस हुई सजग, चालान काटे। गंदगी से परेशान वृद्धा ने लगाई कलेक्टर से गुहार। भाजपा केसूरी मंडल अध्यक्ष ने किया आनंद वन पथमेड़ा गौशाला का निरीक्षण। कब्जे वाली जमीन दिलवाने हेतु कलेक्टर को दिया पत्र। जालोर में निशुल्क निसंतान परामर्श शिविर 11 जून को। अब समाचार विस्तार से। 5 दिवसीय पतंजलि योग शिविर जालोर में आज से शुरू। 5 दिवसीय पतंजलि योग शिविर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जालोर स्टेडियम में आज शुरू हुआ। शिविर में योगी तेजपाल ने प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करवाया। शहर के बड़े और बच्चे उत्साह से भाग लेते हुए प्राणायाम व आसनों को सीखा एवं योग के फायदों के बारे में जाना। इस मौके पर शिविर में पुलिस योग प्रशिक्षक अशोक सिंह व आयुर्वेद विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर श्रीराम ने उपस्थित रहकर योग एवं प्राणायाम किया। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस हुई सजग, चालान काटे। सड़क सुरक्षा को लेकर जालोर यातायात पुलिस अब और ज्यादा सजग नजर आ रही है। यातायात पुलिस आज शहर के विभिन्न जगहों पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहन चालकों पर नजर रखे हुई थी। 11 बजे नगर परिषद के आगे खड़े हेड कांस्टेबल रणछोड़ा राम से बात करने पर उन्होंने बताया कि जो वाहन चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के तथा वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करते हुए एवं बाइक पर 3 सवारियों के साथ चलते हुए पाए गए, ऐसे सभी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनके चालान काटे गए। गंदगी से परेशान वृद्धा ने लगाई कलेक्टर से गुहार। आहोर के सत्यनारायण मंदिर के पास रहने वाली 85 वर्षीय वृद्धा हुकीबाई अपने घर के सामने पसरी गंदगी से परेशान है। वृद्धा ने बताया कि ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी सारा कचरा इकट्ठा करके यहाँ तक कि मृत मवेशी भी उसके घर के सामने डाल जाते हैं, जिससे वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि वहाँ रहना दुर्लभ हो गया है। वृद्धा ने बताया कि वह स्वयं दमा रोग से पीड़ित है और प्रदूषित वातावरण उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में वृद्धा ने 9 मार्च 2017 को उपखंड अधिकारी आहोर और 24 मई 2017 को विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर को पत्र लिखकर अवगत करवाया, किंतु उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः आखिर में परेशान होकर वृद्धा कलेक्टर के पास अपनी समस्या की गुहार लगाने आई। वृद्धा ने जालोर संवाददाता सोमशेखर से बात करते हुए कहा कि बढ़िया स्वास्थ्य ले लिया है, हर्षित कटावता नहीं है, पंचायत प्रॉपर्टी है नहीं, मीडिया साफ कल्या के ढारे हारिया हारे मान गाई के जालोर रख से नहीं पाई, आपने मार स्वास्थ्य ले रही हुए हमारे घर में पार्टी का एक दिन को आप क्या गांव रहा हो? वार्ड नंबर कई है जो आप गंदगी है? आज 3 दिनों की पैसा पीजिए, 3 दिन का बीमार बादशाह चले हैं। हाँ, सत्तारण मंदिर हम आप ही मारे साधु बजाइयों ने वही मारे हैं जी पुजारी। भाजपा केसूरी मंडल अध्यक्ष ने किया आनंदवन पंथमेड़ा गौशाला का निरीक्षण। भाजपा केसूरी मंडल अध्यक्ष चुन्नीलाल पुरोहित एवं पारसमल कल सोमवार को आनंदवन पथमेड़ा गौशाला का निरीक्षण कर जाना कि गायों की सेवा व्यवस्थित रूप से की जा रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार को गायों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पुरोहित व उनके साथ आए पारसमल डांगी सोमवार को पूरा दिन गौशाला में गौ सेवा करते हुए बिताया। कब्जे वाली जमीन दिलवाने हेतु कलेक्टर को दिया पत्र। रानीवाड़ा क्षेत्र के मैत्रीवाड़ा निवासी आसुराम ने बताया कि उसकी अपनी अचल संपत्ति पर बली नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था, जिस पर आसुराम ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के अपने पक्ष में हुए निर्णय के बावजूद भी
आज दिनांक तक प्रशासन के द्वारा उस कब्जा शुदा अचल संपत्ति को खाली करवा कर नहीं सौंपा। आसुराम ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को लिखित में कई बार अवगत करवाया, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है। अतः मजबूर होकर आसुराम जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही हेतु पत्र सौंपा। जालौर में निशुल्क निसंतान परामर्श शिविर 11 जून को। विंस हॉस्पिटल उदयपुर द्वारा डॉक्टर निशा अग्रवाल की देखरेख में 11 जून 2017 को जालौर के पुराना बस स्टैंड के भाटी निवास में निशुल्क निसंतान परामर्श शिविर का आयोजन होगा, जिसमें बांझपन, IUI संबंधित सलाह, स्त्रियों के गर्भधारण संबंधी जैसी समस्याओं का डॉक्टर द्वारा निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।